नागपुर में लगातार तीसरे दिन बदमाशों ने सेंट्रल बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया। इससे पहले पीएनबी बैंक के एटीएम को निशाना बनाया था। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में महिला से चैन की लूट भी हुई थी। लगातार तीन दिन में लूट और लूट के प्रयास से पुलिस सक्रियता की पोल खुल गई। किदवई नगर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके बदमाशों को पकड़ने की जगह दोनों मामले को दबा दिया। वहीं किदवई नगर साइड नंबर 1 के पास मेन रोड पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। गुरुवार रात बदमाशों ने उसे काटकर रुपए लूटने का प्रयास किया। वहीं शुक्रवार सुबह पब्लिक रुपए निकालने पहुंची तो एटीएम के आगे का हिस्सा खुला मिला। वहीं सूचना पर पहुंची किदवई नगर पुलिस ने बैंक प्रबंधन को सूचना देने के साथ ही एटीएम को सील कर दिया है। जांच के बाद अब इसे पब्लिक के लिए खोला जाएगा। वहीं एसपी बाबू पुरवा आलोक सिंह ने बताया कि एटीएम से देर रात रुपए निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश सफल नहीं हो सके। वहीं सीसीटीवी फुटेज से बैंक को लूटने की कोशिश करने वाले गैंग की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि किदवई नगर में तीन दिन के भीतर 200 मीटर के दायरे में दो एटीएम और एक महिला से चैन की लूट की वारदात हुई। किदवई नगर थाना प्रभारी ने मामले की कार्यवाही करने की जगह एफआईआर तक दर्ज नहीं की, वही एटीएम तोड़ने की कोशिश को छिपाने का प्रयास किया। अफसरों की जानकारी मिलने पर गैंग को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।